पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान -18 डिग्री तो गुलमर्ग में -11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। दिल्ली में अगले हफ्ते बारिश के साथ ओले पड़ने की संभावना। उत्तर पश्चिमी इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान। शिमला में शीतलहर जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और गिर सकता है तापमान। कड़ाके की ठंड से राजस्थान के खेतों में जमने लगी बर्फ। किसानों को हो रहा है भारी नुकसान। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी की सेहत। कहा 18 से 25 साल के युवाओं को जोड़े, पढ़े लिखे मुस्लिमों तक पहुंचाएं बात। बेवजह बयानबाजी से बचें बीजेपी नेता। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक खत्म। पीएम मोदी ने कहा चुनाव के बचे हुए 400 दिन में तैयारी करें। गांव से बॉर्डर तक सबसे मिले बीजेपी नेता। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 1 साल के लिए बढ़ाया गया जेपी नड्डा का कार्यकाल। गृह मंत्री अमित शाह बोले नड्डा की अगुवाई। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। 2024 में जीतेंगे ज्यादा सीटें। लश्कर का आतंकी अब्दुल रहमान मक्की यूएनएससी के आतंकियों की लिस्ट में शामिल। भारत ने फैसले का किया स्वागत। कहा आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार। बीएसएफ के पूर्व डीजी पंकज कुमार सिंह बनाए गए डिप्टी एनएसए। केंद्र सरकार ने किया नियुक्त। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा वरुण को गले लगा सकता हूं, उनकी विचारधारा को नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले सुरक्षा की तैयारियों पर मंथन। डीजीपी दिलबाग सिंह ने लिया तैयारियों का जायजा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हिमाचल प्रदेश में करेगी प्रवेश। शाम को हिमाचल से पठानकोट पहुंचेगी यात्रा। दिल्ली विधानसभा के सत्र का तीसरा और आखिरी दिन आज। तीसरे दिन भी विधानसभा में हंगामे के आसार। शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी पर सरकार के काम को रोकने के आरोप लगाए। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। काली पगड़ी और कपड़े पहनकर भ्रष्टाचार पर चर्चा की मांग। दिल्ली कंझावला केस में पुलिस ने धारा 302 के तहत दर्ज किया केस। 1 जनवरी की रात कार से घसीटकर हुई थी लड़की की मौत। बेंगलुरु में टक्कर के बाद स्कूटी सवार ने कार ड्राइवर को घसीटा। 100 मीटर तक स्कूटी को पकड़कर घसीटता रहा कार सवार। अब ताजमहल से 10 किलोमीटर दूर बन सकेगा नया टर्मिनल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। टर्मिनल से नई फ्लाइट्स की भी होगी इजाजत। जोशीमठ में मौसम विभाग ने जारी की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। शिविरों में रह रहे लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें। जोशीमठ में प्रभावित इलाकों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। एनजीआरआई की टीम ने होटल वाली जगह का निरीक्षण किया, जमीन की गहराई नापी। जोशीमठ को बचाने के लिए साधु संत करेंगे अनुष्ठान। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया अनुष्ठान का ऐलान। जोशीमठ में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के खजाने की बिल्डिंग में भी आई दरार। पीपल कोटी में शिफ्ट किया जाएगा खजाना। जोशीमठ में घरों से पलायन कर रहे लोगों ने पीछे छोड़े पालतू जानवर। जानवरों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं स्थानीय एनजीओ। जम्मू कश्मीर को माछिल सेक्टर से गर्भवती महिला का एयर रेस्क्यू करने की एक खबर आई है। बर्फ से ढके इलाके में सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीएसएफ जवान पर जानलेवा हमला। बांग्लादेशी तस्करों को सीमा में घुसने से रोकते वक्त घायल हुए जवान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने की शिष्टाचार भेंट। प्रयागराज के माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचने के मामले में बड़ा खुलासा। मदरसे के मौलाना के इशारों पर बेचा जा रहा था सामान। मौलाना समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज माघ मेले में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। खुद को बताया श्रीराम का वंशज। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हमला। खालिस्तानी समर्थकों पर मंदिर में तोड़फोड़ के आरोप। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत विरोधी बातें लिखी गई। आज से 3 दिनों के विदेश दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। मालदीव्स और श्रीलंका जाएंगे विदेश मंत्री। रिपब्लिक डे को देखते हुए दिल्ली मेट्रो में बढ़ाई गई सुरक्षा। कड़ी सुरक्षा की वजह से सिक्योरिटी चेक में लग सकता है वक्त। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के बस्ती में होगा खेल महोत्सव। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज से 3 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत। दोपहर 1:30 बजे से हैदराबाद में शुरू होगा मुकाबला। एनसीसी के रिपब्लिक डे कैंप में पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान। एनसीसी कैडेट से सीडीएस को दिया
ने कैडेट्स ने सीडीएस को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। सीडीएस के लिए किया गया स्पेशल बैंड का प्रदर्शन। वाराणसी में एयर बैलून फेस्टिवल का आयोजन। आसमान में अंधेरा होते ही जगमगाने लगे हॉट एयर बैलून। राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल में बिहार के लिट्टी चोखा की धूम। बिहार की टीम के बनाए लिट्टी चोखा को मिला दूसरा स्थान। जम्मू कश्मीर को मिला पहला स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई दौरे से पहले बीजेपी और शिंदे गुट ने शुरू की तैयारी। शहर की सड़कों पर लगी पीएम मोदी बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर। जेल से निकलने के बाद अनिल देशमुख ने सीएम शिंदे को लिखा पत्र। पिछली सरकार में पास योजनाओं पर लगी रोक हटाने की मांग की। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे इकोनॉमिक फोरम से महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर आई है। पहले दिन महाराष्ट्र सरकार ने किया 45,900 करोड़ के निवेश का करार। एमपी के चित्रकूट में 11,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। चित्रकूट में आयोजित इन्वेस्टर समिट में आया निवेश का प्रस्ताव। बिहार के भागलपुर में आज से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू। सबसे पहले बिजली विभाग के एक इंजीनियर के घर लगाया गया स्मार्ट मीटर। समाधान यात्रा के लिए आज बक्सर पहुंचेंगे नीतीश कुमार। बक्सर के कठार में जैविक खेती को देखेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पर धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में शिकायत दर्ज। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दर्ज कराई गई शिकायत। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने बिहार में भी बुलडोजर चलाने की मांग की। शराब माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग। ट्रेन में मुस्लिम व्यापारी से मारपीट पर एसपी सांसद बर्ग का विवादित बयान। मुस्लिम समाज को ललकारते हुए कहा मुसलमान अब बदला भी नहीं ले सकता। मुंबई के घाटकोपर में लैंड जिहाद का आरोप। हिंदू परिवार ने मुस्लिम परिवार पर लगाया सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से टॉलीवुड के कनेक्शन का मामला आया सामने। एनआईए जांच में टॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के पैसे के निवेश का खुलासा। ग्वालियर में पठान फिल्म के विरोध में प्रदर्शन की चेतावनी। किसी भी हॉल में फिल्म लगाने पर प्रदर्शन की धमकी। उत्तर प्रदेश के जालौन में छेड़खानी से तंग आकर 11वीं में पढ़ रही छात्रा ने आत्महत्या की। पुलिस ने छेड़खानी करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। कश्मीर की लड़की पहुंची भोपाल पुलिस के पास। पाकिस्तानी लड़के से शादी के खिलाफ की शिकायत। अपने दोस्त के साथ भोपाल में रहती है लड़की। राजस्थान के राजसमंद में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड की राजधानी रांची के आईएम हॉस्टल में छात्र का शव बरामद। संदिग्ध हालत में मिला 22 साल के छात्र का शव। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मऊ के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर को 1 महीने की सजा। कोर्ट ने हरि नारायण को दी जमानत। छत्तीसगढ़ में परमानेंट नौकरी के लिए संविदा कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन। भैंस के आगे बीन बजाकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग से परेशान आदिवासी इलाके के लोग। रतलाम के कई इलाकों में बिजली नहीं लेकिन आ रहे हैं बिल। मध्य प्रदेश के बड़वानी के स्कूलों तक नहीं पहुंची बिजली। अंधेरे में पढ़ने को मजबूर है बच्चे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयरन की गोली खाने से बीमार हुए 16 बच्चे। सभी बच्चों का रतनपुर अस्पताल में इलाज जारी। जयपुर में आरएलपी ने पेपर लीक के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएम निवास का घेराव करने की दी चेतावनी। चूरू में टीचर्स की कमी से परेशान छात्रों ने स्कूल पर जड़ा ताला। अरेजड़ा के सरकारी स्कूल में विरोध प्रदर्शन। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर चढ़े लॉ कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष। राजस्थान में सड़क सुरक्षा सप्ताह जारी। सुजानगढ़ में बांटे गए फ्री हेलमेट। इंदौर में एक दिन में बने 2 अनूठे विश्व रिकॉर्ड। 50,000 कंबलों का वितरण। 25,000 लोगों ने नेत्रदान के संकल्प पत्र भरे। के बरेली में सड़क पर जा रहे राहगीर का मोबाइल छीन कर भागे बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। यूपी के गाजियाबाद में फ्लाईओवर के ऊपर चलती मर्सिडीज कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान। यूपी के कौशाम्बी में पकौड़े खाकर खुले पैसे नहीं देने पर दुकानदार ने पीटा। अदालत के आदेश पर केस दर्ज। बिहार के कटिहार में हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग। 5,00,000 का सामान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के हाथरस के कॉलेज में भिड़ा छात्रों के 2 गुट। कॉलेज परिसर में एक छात्र ने की फायरिंग। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हथियार के साथ वीडियो बनाना युवक को पड़ा भारी। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। वीडियो बनाने वाले युवकों की पहचान हुई। गिट्टी से भरे ट्रक पर 2 लड़कों के स्टंट का वीडियो वायरल। जान जोखिम में डालकर वीडियो बना रहे हैं युवक। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। एक फरार।
दिल्ली में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर लूटे 2 लाख रुपए, बाइक पर बैठकर फरार हुए, आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बहराइच में करीब 3 करोड़ की चरस बरामद, 8 किलो ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में घर में मिली नकली शराब फैक्ट्री, पुलिस के छापे में 2 गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ से भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त, पश्चिम बंगाल का युवक भी गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में बंदरों का आतंक, बंदरों ने कई लोगों को घायल कर दिया। चीन की आबादी में ऐतिहासिक गिरावट, 60 साल में पहली बार इतनी घट गई जनसंख्या, 2022 में चीन की जनसंख्या 2021 के मुकाबले 8,50,000 कम हुई। चीन की इकोनॉमी की हालत खराब, 2022 में जीडीपी गिरकर 3% पर आ गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 5 और 6 फरवरी को चीन यात्रा पर रहेंगे अमेरिकी सचिव ब्लिंकन, चीन ने ब्लिंकन की यात्रा का किया स्वागत। थाईलैंड में तेल टैंकर जहाज में धमाके के बाद एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल, ड्रोन वीडियो में आग बुझाते दिखे इमरजेंसी वर्कर्स। इंग्लैंड में 70 यात्रियों से भरी डबल डेकर बस पलटी, हादसे में मौत की कोई खबर नहीं, घायलों का इलाज जारी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आया तूफान, मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार और गुरुवार को भी जारी रहेगी बारिश। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक जारी, आर्थिक संकट, युद्ध, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मुख्य मुद्दे। दावोस में स्वीडन फिनलैंड की नेटो सदस्यता का उठा मुद्दा, स्वीडन के विदेश मंत्री ने कहा नेटो सदस्यता पर तुर्की को लगानी चाहिए मुहर। दावोस सम्मेलन में यूक्रेन ने देश में निवेश बढ़ाने को लेकर की बात, कहा देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की जरूरत, युद्ध के अंत तक इंतजार नहीं कर सकते। फिनलैंड ने यूक्रेन को समर्थन का लिया संकल्प, पीएम मरीन ने दावोस में कहा युद्ध के अंत तक साथ खड़े रहेंगे। दावोस में यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ज़ेलेंस्का का संबोधन, कहा युद्ध रोकने के लिए हर कोई नहीं कर रहा अपने प्रभाव का इस्तेमाल। बखमुत में युद्ध के बीच नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश, यूक्रेन के वॉलंटियर निकाल रहे हैं लोगों को। यूक्रेनी सेना ने किया पोलैंड से आई तोपों का इस्तेमाल, पूर्व में रूसी सेना के ठिकानों पर किया अटैक। नेटो ने रोमानिया में निगरानी विमान किए तैनात, मंगलवार को रोमानिया पहुंचा पहला विमान, रूसी सैन्य गतिविधि की करेंगे निगरानी। आर्कटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरते दिखे रूस के बॉम्बर जेट, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। एस्टोनिया में ब्रिटिश चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात, कहा नेटो के पूर्वी हिस्से को किया जा रहा है मजबूत। रूसी अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रपति पुतिन का बयान, कहा 2022 में 2.5% घटा जीडीपी, फिर भी उम्मीद से बेहतर रहा। सेना में बड़े बदलाव लाने की तैयारी में रूस, 2023 से 2026 के बीच सेना को मजबूत करने पर जोर। यूक्रेन में रूसी सेना के सैनिकों से मिले रूस के रक्षा मंत्री, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी इसकी जानकारी। यूक्रेन में ऐतिहासिक इमारतों के बनाए जा रहे 3D स्कैन बर्बाद होने की स्थिति में रेस्टोरेशन में मिलेगी मदद। जर्मनी में कोल माइन का विरोध कर रही ग्रेटा थनबर्ग को पुलिस ने लिया हिरासत में, पहचान की जांच के बाद किया रिलीज। पेरू की राजधानी लीमा में राष्ट्रपति बोइलुआटे के खिलाफ प्रदर्शन, राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग तेज ही। इंडोनेशिया में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई जारी। ठंड की चपेट में ब्रिटेन के इलाकों में बर्फबारी, पूरे हफ्ते ठंड रहने का अनुमान। बेल्जियम के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी, बुधवार को भी तापमान माइनस में रहने का अनुमान। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।